सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया का खास खबर। खबर है उत्तर प्रदेश की जनपद आगरा से। देखिए हमारे संवाददाता कृष्णकांत पचौरी की यह खास रिपोर्ट। इस खत में आगरा में होने वाले ऐतिहासिक जनकपुरी महोत्सव में बम धमाका करने की धमकी दी गई है। बता दें कि जनकपुरी में अब महज कुछ ही दिन बाकी है। आगरा की राम बारात एशिया में जानी जाती है। ऐसे में रेलवे के एक कार्यालय पर मिले धमकी भरे पत्र से हड़कंप मचा हुआ है। अलर्ट के चलते आगरा में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। सुबह मेरा जो स्टाफ का आदमी था वो आया, उसने ऑफिस खोला तो ऑफिस खोलने के पास ही जैसे दरवाजा खोला तो ये लिफाफा नीचे पड़ा हुआ था। लिफाफे पे ये लिखा हुआ था कि कल सदर बाजार में धमाका होगा, अगला निशाना जनकपुरी होगा। आगरा के जय हॉस्पिटल में कुछ साल पहले टिफिन विस्फोट हुआ था, उस समय पूरे आगरा में सनसनी फैल गई थी। इस पत्र में जय हॉस्पिटल में हुए हमले का भी जिक्र किया गया है। जय हॉस्पिटल में धमाके के बाद पुलिस प्रशासन कोई खुलासा नहीं कर सका। ऐसे में मिले पत्र से पुलिस फिर से छानबीन में जुट गई है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से सदर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। आनंद फानन में मौके पर डॉग स्क्वाड टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। आगरा रेलवे कैंट स्टेशन पर मिले धमकी भरे पत्र से पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। इस पत्र में आतंकवादी मोहम्मद मिर्जा के नाम का जिक्र किया गया है। पत्र में यह भी जिक्र किया गया है कि आतंकवादी सदर क्षेत्र और ऐतिहासिक होने वाले कार्यक्रम जनकपुरी महोत्सव में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं। इस पत्र में आतंकवादियों ने यह भी स्वीकारा है कि 2011 में जय हॉस्पिटल में जो बम धमाके हुए थे उसमें उन्हीं का हाथ है, लेकिन आज तक पुलिस कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाई है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।